ये दोस्तों, मैं फिर से एक वीडियो लेके आ गया हूँ। अभी ये रात के कितने बज रहे हैं अभी मुझे नहीं पता, 3 या 3 कुछ ज़्यादा हो गए। तो ये मुझे वीडियो लाना ही पड़ा। जो जितने भी फुटबॉल आज एंथुजियास्ट हैं वो देख रहे थे आज का मैच, मैनचेस्टर सिटी का मैच देखे, अर्सेनल का मैच देखे, उसके बाद जो सबसे बड़ा मैच था लिवरपूल वर्सेस न्यूकासल का, उसमें आज जैसे हम लोग ने देखा। मैं थोड़ा आस्ते बोल रहा हूँ कि क्योंकि घर में सब सो रहे हैं अभी। तो बेसिकली अभी जो मैंने हम लोग ने देखा ना, जो अभी हुआ, द थिंग विच हैपेंड न्यू कासल एंड बिटवीन न्यू कासल एंड लिवरपूल, आई थॉट दैट न्यू कासल वॉज गोइंग टू विन, बट वॉट हैपेंड इन बिटवीन, वो 97th मिनट का जो मतलब हेडर था कारवालो का, डिड द जॉब डन फॉर क्लॉप। अब ये आप लोग को कैसा लगा कि नहीं लगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि आज अगर इन लोग के बीच में एक टाई हो जाता तो भी वो बहुत ही बड़ा एक चीज़ होता, क्योंकि टाई होने से भी एवरीथिंग, माई टीम, लाइक आई वुड ऑलवेज थिंक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट अगेन गुड फुटबॉल शुड प्रिवेल। मुझे अच्छा लगा कि आज मतलब जो गेम हुआ, इट वॉज वेरी 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 गुड एंड इट वॉज ऑन द मार्क एंड इट वॉज वेरी एनर्जेटिक। बट एक चीज़ का मुझे ये था कि आप लोग को भी कैसा लगेगा कि वहाँ एक्स्ट्रा टाइम जो दिया गया था 5 मिनट्स का, वहाँ गेम लेकिन 97th मिनट तक हुआ, और मतलब न्यू कासल ने भी इतना अच्छा खेल के भी उन लोग को, बेचारों को, अब 97 मिनट तक अगर गेम जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, इवन 1 मिनट काउंट्स आफ्टर लाइक यू नो इन फुटबॉल। सो बेसिकली द गेम वेंट टिल 97 मिनट एंड आप लोग जानते हैं फिर क्या हुआ, वो गोल इक्वलाइज के जैसा पहले ही हो गया, तो उसके बाद सेकेंड हाफ के बाद अभी लास्ट में एक गोल हो गया एंड दे लॉस्ट। आई फेल्ट वेरी बैड फॉर न्यू कासल बिकॉज दे प्लेड ऑन पार विथ लिवरपूल। आई थॉट लिवरपूल वॉज नॉट प्लेइंग एट देयर बेस्ट, बिकॉज सबको पता है भाई लिवरपूल इससे भी बेस्ट टीम है, बट टुडे लिवरपूल प्लेड लाइक यू नो एट पार विथ न्यू कासल एंड दे प्लेड एट द सेम लेवल, तो वो तो है। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैनचेस्टर के लिए कल जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर आप लोग यहाँ ये देखेंगे, मैं यहाँ ये दिखा सकता हूँ आपको पॉइंट्स टेबल, अगर देखते हैं तो आप लोग के लिए ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ जैसे है मीन्स लाइक कल मैनचेस्टर को जीतना होगा लेचेस्टर से, तब वो 5वीं टीम हो जाएगी जहाँ आज लिवरपूल है अभी जीतने के बाद, क्योंकि लिवरपूल के पास ठीक 8 पॉइंट्स थे। अगर न्यू कासल जीत जाता तो उनके पास 9 पॉइंट्स हो जाते हैं, वो कल मैनचेस्टर के ऊपर ही रहते हैं और मैनचेस्टर 6th टीम हो जाती है। लेकिन अब मैनचेस्टर के पास कल 5th होने का मतलब बेसिस तो है, तो अगर वो लोग कल जीतते हैं लेचेस्टर सिटी से, जिससे उन लोग को लाइक यू नो लेचेस्टर से अगर जीतते हो जिसमें उन लोग को 3 पॉइंट्स मिलेंगे, वो लोग चले जाएंगे 5वें स्थान पे और लिवरपूल आ जाएगी नीचे उससे 6th पे। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एरिक टेन हैग टू गेट दैट 5th पोजीशन राउंड देयर, और 5 बड़े टीम के साथ आने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी पहले नंबर पर आर्सेनल है, सेकेंड नंबर पर मैनचेस्टर सिटी है। मैनचेस्टर सिटी का क्या सीजन जा रहा है आर्सेनल की जैसे ही, अर्लिंग हैलैंड मैन, दैट बॉय इज डूइंग वंडर्स। आई वोंट कंपेयर हिम विद, टिल नाउ आई वोंट कंपेयर हिम विद कुन अगेरो बिकॉज ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर। कुन अगेरो इज अ लेजेंड, गोट, वो तो ये है। अभी अर्लिंग हैलैंड इज जस्ट गोइंग अप दैट लैडर, सो आई वोंट कंपेयर देम टुगेदर, बट इतना बोल सकता हूँ आज जो आप लोग यहाँ ये पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू क्लाइम अप द लैडर टू 5th पोजिशन, और वहाँ 5 टीम के जैसा इस सीजन में तो कुछ करने के लिए उन लोग के पास है। 5 टीम इन लोग का जो है वो, अगर ये लोग मतलब द टॉप 5 टीम, एंड देन अभी भी सीजन बहुत बाकी है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, द स्टार्ट ऑफ द सीजन शुड बी गुड। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो लोग ऊपर चले जाते हैं 5th टीम इस पे, तो द रेस शुड बी गुड लाइक यू नो, क्योंकि ऊपर से आप लोग देख ही सकते हो, ऊपर जैसे कि आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, वहाँ आपका ब्राइटन भी ऊपर है, और उसके ऊपर से मतलब दिस पॉइंट टेबल विल एक्चुअली होल्ड गुड इफ यू सी इन दैट वे। चलिए इतना था कि बोलना था, मैनचेस्टर यूनाइटेड यू हैव टू प्ले टुमारो, वेरी गुड, आई विल बी सीइंग द मैच अगेन, इट विल बी फ्रॉम 12:30 इन इंडियन टाइम IST टुमारो एट लाइक यू नो नाइट, सो वी विल बी ट्यूनिंग इन आवर TV एंड वी विल बी एंटिसिपेटिंग दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड विन्स टुमारो, एंड आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। कल रोनाल्डो पूरे
मैच के लिए खेलेंगे या नहीं, बट आई वॉन्ट हिम टू प्ले फॉर द होल मैच. आप लोग को कैसा लगता है प्लीज बताइएगा. आई वॉन्ट हिम टू प्ले दैट, आई वॉन्ट दैट गाय टू प्ले फॉर द होल इंटायर मैच, बट ही इज नॉट प्लेइंग राइट नाउ. आई थिंक वॉट टेन हैग इज थिंकिंग इन इज माइंड, आई डोंट नो, बट लेट सी क्या होता है. बट इतना बोल सकता हूँ, अगर ही प्लेज इज फॉर द होल मैच, आई थिंक इट विल ही विल अगेन ब्रिंग बैक हिज थिंग. एंड जो ये पूरा एक कंट्रोवर्सी चल रहा है, वेदर ही विल लीव और वेदर ही विल, आई डोंट नो वट विल हैपन, बट आई विल वॉन्ट हिम टू स्टे इन मैनचेस्टर यूनाइटेड. सो लेट सी वॉट हैपन्स टूमोरो. एंड इतना बोल सकता हूँ गाइज कि कल का जो मैच है, इट्स वेरी क्रूशियल फॉर अस ऑल द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस. सो be there at 12:30 here in Indian Standard Time, 2nd of September to support your team. थैंक यू. इतना ही बोलना था आज के लिए. चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो में वीडियो को, क्योंकि इस चैनल में मैं बहुत सारा फुटबॉल का कंटेंट लाते रहता हूँ फॉर यू गाइज. आई एम शूटिंग दिस एट 3 o'clock इन नाइट, सो बेसिकली इट इज़ समथिंग लाइक दैट. कि आप लोग को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ गिव इट अ सब्सक्राइब एंड को और रेड बटन दाब दीजिए ना यार. ये यूट्यूब बाबा को खुश कर दीजिए. आपको लगता है कि वो एल्गोरिदम जो है वो मेरे को मतलब सपोर्ट करेगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक से बहुत अच्छा ये होता है एल्गोरिदम में मैं मतलब आ सकता हूँ. और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए दैट यू डोंट मिस एनीथिंग, एंड प्लीज़ रिंग द बेल बटन दैट यू डोंट मिस एन अपडेट फ्रॉम दिस चैनल. दिस इज़ वॉब साइनिंग अप फ्रॉम फुटबॉल टूडे